इस रेड बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को जल्दी से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का विषय स्टार्ट करें। नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है, काफ़ी लोगों की इच्छा शक्ति पूरी नहीं होती है, काफ़ी लोगों की काफ़ी सारी ख्वाहिशें रहती हैं इंसान की कि मैडम मेरा जो है मकान कब बनेगा, मेरा ये काम कब होगा, मेरी लड़की की शादी कब होगी। काफ़ी सारे लोगों के ऊपर कर्जा भी रहता है, काफ़ी सारे लोगों की काफ़ी सारी ख्वाहिशें भी रहती हैं कि मेरा ये काम कब तक हो जाएगा, मेरे माइंड में ये विचार आता है, ये विचार कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके लिए आज मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो हमारे मन में जो ख्वाहिशें जो पैदा होती हैं, ठीक है, जो ख्वाहिशें जो पैदा होती हैं, जो भ्रम है, ठीक है, ये जो क्रिया जो आती है माइंड में कुंडली होरोस्कोप के उससे अगर हम लोग देखें तो राहु प्लैनेट जो होता है वो हमारे माइंड में जो है विचार पैदा करता है, नए नए विचार भ्रम के भी पैदा आते हैं कि काश हमें सुंदर लड़की मिल जाए, काश हमें सुंदर लड़का मिल जाए, इससे मेरी शादी हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास बंगला हो जाए, फलाने के पास इतना पैसा, मेरे पास भी इतना पैसा आ जाए, मैं भी करोड़पति बन जाऊँ, ठीक है। और जो केतु होता है, केतु जो है ध्यान के माध्यम में ले जाता है, केतु ये उपदेश देता है, माइंड में ये विचार आते हैं जब कोई चीज़ आपको मिल जाती है, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको खिलौना दिला दिया जाता है, फिर उसके लिए उसकी वैल्यू नहीं रहती, उसकी वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है। उसी तरीके से जो है मनुष्य के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, उसके पास अगर एक गाड़ी आ जाती है तो दूसरी गाड़ी ले आता है, उसको बेच देता है, ऐसा ही सिस्टम चलता रहता है। तो ये जो सिस्टम जो कराता है वो केतु कराता है। अगर किसी की ज़मीन जो है हड़प लेता है, कोई दूसरा पर्सन आकर के आपकी ज़मीन में कब्जा कर लेता है, तो ये भी जो सिस्टम है ये भी राहु ही कराता है, राहु प्लैनेट ही कराता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को ये जो हमारी जो इच्छा शक्ति जागृत होती है और इच्छा शक्ति जो है पूरी नहीं होती। काफ़ी लोग कहते हैं हम सोचते तो बहुत है लेकिन मेरी जो इच्छा शक्ति है वो पूरी नहीं होती है, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, हम इतने सारे व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, मनोकामनाएँ भी रखते हैं, बट मेरा जो है फलित नहीं हो रहा है, मेरा मकान नहीं बन रहा है, मैडम जी मेरा होरोस्कोप में वास्तु में ऐसा क्या चक्कर है। तो कभी हमारा ये जो मेन पॉइंट है जिसको मैं आज बताने वाली हूँ, हमारा जो है जब हम लोग सोते हैं तो अवचेतन मन जो है जागृत हो जाता है, तो हम लोग अपने समाज में देश में दुनिया में लोग जो है चेतन मन से, तो इतनी सारी इच्छाएं जो आती हैं वो तो चेतन मन की अवस्था, जब हम जागृत अवस्था में होते बहुत सारी इच्छाएँ आती हैं, लेकिन जब हम अवचेतन मन में जाते हैं वो अगर इच्छाएँ अगर आप अवचेतन मन को अगर यूज़ करेंगे तो आप उन इच्छाओं को आप पूरी कर सकते हैं। अवचेतन मन मुश्किल से आदमी जो है 5% 8% यूज़ कर पाता है अपना अवचेतन मन। जो भी लोग अवचेतन मन अगर अच्छे से उसको यूज़ करना अगर सीख जाएंगे अवचेतन मन को, तो आपके माइंड में जो भी विचार आएगा उस विचार को आप पूरा कर पाओगे। पहले सबसे तो जो भी आपकी मनोकामना है या इच्छा है, तो रात को सोते समय जब हम लोग सोते हैं तो सोने के टाइम आपको एक डायरी लिखना है और उस डायरी पे जो भी आपको मनोकामना लिखनी है या आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं या आपको मकान बनवाना है या आपको जिस प्रकार की गाड़ी लेनी है, जिस टाइप की भी आपको गाड़ी लेनी है, उसका एक प्रिंटआउट आप निकलवाइए और उस प्रिंटआउट को निकलवा करके आप अपनी डायरी में चिपकाइए, उसको रोज़ डेली लिखिए और जो आपकी मनोकामना उस डायरी में रोज़ डेली अपनी मनोकामना को लिखें। जब आप मॉर्निंग में उठे तो उस डायरी को मॉर्निंग में उठ के फिर से अपनी मनोकामना लिखिए और जो आपका ड्रीम था, जो चीज़ को आप सोच रहे हो, जिस चीज़ को आप काम पूरा, जो आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा, उसके लिए आप मॉर्निंग में उठो, वही डायरी को मॉर्निंग में उठ करके आप फिर से उसके दर्शन करो, उसको देखो, ठीक है। तो जो आपका जो अवचेतन मन में वो चीज़ नहीं पहुँच पा रही है, जो आपकी इच्छा शक्ति जो नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ तक का जो आपका ड्रीम पूरा नहीं हो पा रहा है, उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपकी इच्छा शक्ति है वो इच्छा शक्ति आपकी पूरी होने लगेगी अगर इस क्रिया को करते हैं। खास तौर से रात में जो क्रिया आपको करनी है वो जो है 12 बजे के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है। डायरी में अगर जो लोग जल्दी सो जाते हैं तो वो लोग टाइमली रात में सोते समय लिख सकते हैं, वैसे ये जो क्रिया जो काम करेगी वो रात के 12 बजे आपको लिखना है डायरी में, अपनी आपकी जो मनोकामना है जो भी इच्छा है उसको लिखिए और जिस तरीके की है उसका प्रिंटआउट भी निकलवाए। जैसे आपको मकान लेना है तो उस मकान का इंटीरियर डिज़ाइन ऐसा ऐसा मेरा मकान हो, ये मेरी ख्वाहिशें हैं, उन ख्वाहिशों को अगर आप प्रिंटआउट अगर निकलवा सकते हो, ठीक है, उस प्रिंटआउट को निकलवा करके उसमें चिपकाइए अपनी डायरी पर और रोज़ डेली उसमें सवेरे और शाम को उठते ही जो है शाम के रात्रि में भी आपको लिखना है अपनी ख्वाहिशों को और जब आप मॉर्निंग में जब उठोगे तब भी आपको उसको देखना है, पढ़ना है, फिर उसके बाद फिर से आपको लिखना है और डायरी को आपको अच्छी जगह रखना है, कोई अशुद्ध जगह आपको उस डायरी को नहीं रखना है, ठीक है। जो भी आपकी जो है मनोकामना है, ड्रीम्स है, इच्छा शक्ति है, वो आपकी पूरी होना शुरू हो जाएगी जैसे ही आपका अवचेतन मन जागृत होगा।
इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग भी अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फेस रीडिंग कराना चाहते हैं या वास्तु के अनुसार अपना जो है कुछ भी पूछना ताछना चाहते हैं, तो वो अपना नक्शे का फ़ोटो भी खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डाल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, आप लोग देख करके देख सकते हैं, वहाँ डिस्क्रिप्शन से जानकारी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।